हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वाटर फाउंटेन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 30x60 सेंटीमीटर की एक शीट लेंगे और उसके साथ में 4 शीट्स और लेंगे, जो कि एक रेक्टेंगुलर बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा। जो फिर हम चारों शीट्स को ग्लू की हेल्प से अच्छे से फिक्स करेंगे इस बेस शीट के ऊपर। ये एक ऐसा बॉक्स टाइप बन जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जिसके फिक्स होने के बाद में ये ऐसा लगेगा। बाद में हम इस पर MC लगाएंगे, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें हमको पानी भरना है। ये वाटर टैंक बनेगा वाटर फाउंटेन का, तो इसके कहीं से वाटर लीकेज ना हो उसके लिए हम यहाँ पे सारे जितने भी इसके जॉइंट्स रहेंगे उसमें MC से अच्छे से पैक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें जो है वाटर फाउंटेन का बॉडी बनाना है, उसके लिए हम 2 थर्माकोल की शीट्स लेंगे। इनका जो मेजरमेंट रहेगा 30x90 सेंटीमीटर का है इसमें, और एक और शीट रहेगा जिससे हम इसको जो बॉक्स बनाया है रेक्टेंगुलर उसको कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। ये जो बॉक्स है इसके पीछे हम एक स्मॉल विंडो बनाएंगे जहाँ से हम पंप कनेक्ट करेंगे। इसमें एक पाइप की ज़रूरत पड़ेगा, जो पाइप रहेगा ये अराउंड 50 सेंटीमीटर्स इस थर्माकोल शीट से बाहर की तरफ रहेगा, जिसे हम मोटर पंप का पाइप कनेक्ट करेंगे। कि इस तरीके से पाइप पीछे की तरफ आएगा और देख सकते हैं ये स्टैंडिंग इस तरीके से रहेगा, लेकिन इसके दोनों साइड में थर्माकोल शीट्स लगेगा। अभी हमको इसमें जो पाइप है टी शेप इसमें होल्स बनाने हैं, और ये जो साइड होल्स रहेंगे इनको हम MC से फिक्स कर देंगे, और ये जो ग्रीन कलर ट्री कनेक्टर दिख रहा है इसको भी हम फिक्स कर देंगे ताकि कोई वाटर लीकेज ना रहे। और एक बार MC से फिक्स करने के बाद में हम इसको चेक ज़रूर करेंगे पानी डाल के, ताकि अगर कुछ लीकेज हो कहीं से, अगर कोई होल रह गया हो तो उसको हम फिक्स करें। और ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ये बाहर की तरफ ही रहेगा, ये अराउंड 10 सेंटीमीटर। अब हम इसको अरेंज करेंगे ए और बी शीट्स के बीच में। ये जो नीचे वाली जो फर्स्ट शीट रहेगा बड़ी वाली, ये ए शीट है और ये अराउंड 15 सेंटीमीटर बी शीट से बड़ी रहेगी, और इन दोनों के बीच में ये टी शेप पाइप जो है कनेक्ट रहेगा। इस तरीके से इनका पोजीशन रहेगा, ये देख सकते हैं हम। नाउ ये जो पाइप रहेगा इसके होल्स फ्रंट साइड में रहेंगे इस तरीके से, हमको जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने इसको फिक्स करना है। पाइप का 10 सेंटीमीटर जैसे आप दिख रहे हैं ये इतना पोर्शन बाहर रहेगा। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ हम क्या करेंगे, अब इसमें पेन से लेके मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हमको इसको अंदर से ग्रूविंग करना है। ये जो है बी शीट का इनर साइड पर हमको मार्किंग करना है। से पूरी शीट में हमको इन द लेंथ हमको इसका पूरा मार्किंग करके अच्छे से मार्किंग करना है, और इतना हमको इसको रिमूव करना है।
ये हमने जो स्पून लिया है इसको गर्म कर लिया है और उसके बाद में इसे धीरे धीरे इसमें स्पेस क्रिएट करेंगे। ये स्पून इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो शेप आपको इसे धीरे धीरे करना है, ज़्यादा अंदर प्रेस नहीं करना, नहीं तो हो इसमें थर्माकोल में होल भी बन सकता है। ये देखिए एकदम बनने के बाद में इस तरीके से ये इसमें फिक्स हो जाएगा। ये इस तरीके से इसको हमको फिक्स करना है। ये बी शीट है। अभी हम एम सील से सबसे पहले इसके जो होल्स है और ये टी कनेक्टर है का जो ग्रीन पोर्शन है इसको भी हम फिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमको इनको फिक्स करना है। ये ग्रीन कनेक्टर है इस पर भी हमको फेविक्विक अच्छे से ये एम सील अच्छे से लगाना है, अदरवाइज इसमें से लीकेज होने के चांसेस रहे। लास्ट वाला जो जॉइंट है ये हमको यहाँ से पाइप कनेक्ट होगा, उसको हमको एम सील नहीं लगाना है। नाउ अब ये जो शीट ए है इसका इनर साइड है, अब इसमें भी हमको मार्किंग करनी है पाइप के अकॉर्डिंग। जो हमारा 15 सेंटीमीटर के बाद में जो पाइप है ये बी शीट है जिसके अंदर हमने अभी ग्रूविंग किया है, इससे हम इसको इसका मेजरमेंट लेंगे कि इतना पाइप है और हमको इसके अंदर ए शीट के इनर साइड पर भी हमको सेम ग्रूविंग करना है। स्पेस बनाएंगे। ये देखिए सर सेम प्रोसेस सेम रहेगा, बस मार्किंग करके हमको हॉट कोई भी हॉट स्पून लेके आप इसमें ऐसे सेम मार्किंग कर लेना है, ऐसे ग्रूविंग कर लेना है, स्पेस बन जाएगा इसे। अब ये जो शीट्स हैं इनको इस तरीके से हमको सेट करना है, नीचे ए शीट रहेगा, ऊपर बी शीट रहेगा, बीच में जो पाइप है वो रहेगा। पाइप की जो होल वाली साइड है एकदम टच करते हुए होनी चाहिए साइड बी को, और इसको हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से फिक्स कर देंगे। सबसे पहले जो ग्रूविंग वाला एरिया है वहाँ पे हॉट ग्लू डाल के उसको पाइप को फिक्स करेंगे, और उसके बाद पे हम जो शीट बी है उसको इसके ऊपर लगा के उसको भी फिक्स कर देंगे, और कुछ हैवी रख के उसको थोड़ा सेट होने के लिए वेट करेंगे। अराउंड 5 मिनट्स इसको लगेगा अच्छे से फिक्स होने में। और जैसे एक बार ये फिक्स हो जाएगी उसके बाद में हम 3 शीट्स और लेंगे, एक टॉप के लिए लेंगे जो टॉप का जो लेंथ विड्थ रहेगा उसके साथ में अराउंड 15 सेंटीमीटर वो ब्रॉड रहेगी, और लेंथ में जो हमने 2 शीट्स लगाई हैं ये अराउंड सेम रहेगा इनका विड्थ, और लेंथ जो है शीट के अकॉर्डिंग रहेगा। इसको भी हम हॉट ग्लू की हेल्प से फिक्स कर देंगे।
ये फिक्स होने के बाद में ये इस तरीके से इसका अपीयरेंस रहेगा, फाइनल अपीयरेंस ऐसा रहेगा। ये अब जो इसको हमने जो बॉक्स को कवर करने के लिए जो शीट रखा था उसमें 3 होल्स करेंगे सेंटर में, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसी इस शीट को भी हम इस जो बॉडी वाला पार्ट है उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इसको बेस पे। इसके इस तरीके से हम इस पार्ट को भी हॉट ग्लू गन की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे और ये इसका ऐसा अपीयरेंस रहेगा। ये फाइनल इसका अपीयरेंस है। ये इस तरीके से ये जो है बॉक्स के ऊपर जो वाटर टैंक बनाया उसके ऊपर ये रेस्ट करेगा। अभी हम 3 स्ट्रिप्स और काटेंगे। ये अराउंड 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ रहेगा और लेंथ जो इसका बॉडी के लिए जो बेस पे जो शीट लगाई है उसको हमको बाउंड्री बनानी है। ये 3 शीट्स जो स्ट्रिप्स रहेंगी ये उसके लिए चाहिए। अब फाइनली हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब इसके हमको बेस तैयार करने के लिए हम सबसे पहले ये मैंने यूज़ किया है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो बैंडेजेस आती हैं वो यूज़ किया है। ये रेडी टू यूज़ होती है, इसको बस पानी में थोड़ा सा वेट करके डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले सारी जो भी बॉडी बनाया है हमने उसके ऊपर एक कोट इसकी हमने पूरी अच्छे से लगानी है और उसके बाद में हम सीमेंट यूज़ करेंगे इसके ऊपर। इससे एक बार इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने इसको अप्लाई किया है, ये इजी टू यूज़ होता है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट जो बैंडेजेस आती हैं जो पट्टी जिसको बोलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऐसा घोल टाइप मिक्सचर बना के उसके अंदर आप उसको डिप करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसके पूरी बॉडी पे इसको लगाना है, पूरे जो थर्माकोल का बेस रहेगा। POP की लेयर के बाद में हम इसके ऊपर सीमेंट का लेयर लगाएंगे। जो सीमेंट का मिक्सचर है वो फर्स्ट लेयर जो होगा वो थोड़ा थिन होएगा और उसके बाद में सेकंड लेयर जो होगा थोड़ा थिक रहेगा। पहले थोड़ा थिन रखना है और उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा थिक पेस्ट बना के अच्छे से कॉर्नर्स में सब जगह अच्छे से लगाएंगे। और इस तरीके से हमें पूरा जो हमने वाटर फाउंटेन बनाया है उसको पूरे को अच्छे से सीमेंट से कवर करना है। इससे क्या होगा, ये बहुत स्ट्रांग बनेगा और जो हम इसके ऊपर पेंट यूज़ करेंगे वो भी थर्माकोल को डैमेज नहीं करेगा। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि जो सीमेंट की जो लेयर है वो अच्छे से लगी हुई होनी चाहिए इसके ऊपर। कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी होल्ड रह जाएगा तो जब हम उस पर जो पेंट है ऑयल बेस्ड पेंट रहेगा उसको यूज़ करेंगे तो उसमें होल हो सकते हैं। और फेविक्विक भी फेविकॉल भी इसमें अच्छी क्वान्टिटी में यूज़ करना है ताकि जो सीमेंट है वो अच्छे से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। ये इसका बेस देख सकते हैं, ये थोड़ा पोर्शन मैंने अभी कवर करके वीडियो रिकॉर्ड किया है। और इस तरीके से हमको इसमें डिज़ाइन बनानी है, थोड़ा सा रफ रखना है। और ये जो पेंट है हम ये यूज़ करेंगे, ये वॉर्निश है, ये पेंट है, ब्लैक कलर का पेंट यूज़ करना है और थिनर है। ये हम 3 इसमें ये चीज़ें इसमें यूज़ करने वाले हैं।
जब पूरी बॉडी पे ये आपका सीमेंट लग जाएगा उसको ड्राई होने के लिए रखना है, और ये ड्राई होने के बाद में हम इसमें पेंट यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट कोट रहेगा पेंट का वो थोड़ा सा थिन रखना है, उसके अंदर हम थिनर मिक्स करेंगे पेंट में अच्छी क्वांटिटी में। ये देख सकते हैं एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी है, और उसके बाद में हम इसको यूज़ करना है। और पेंट करने के बाद में इसका अपीयरेंस कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब फर्स्ट लेयर ड्राई हो जाए, ये अभी थोड़ा गीला है, जब फर्स्ट लेयर ड्राई हो जाएगी तो हम इसके ऊपर सेकंड कोट करेंगे। फिर जब ये ड्राई हो जाएगा अच्छे से तो उस पर हम गोल्डन कलर लेंगे, गोल्डन मेटालिक कलर, और जो है इसके ऊपर थोड़ा सा इसको डिज़ाइन देंगे, तो हल्का हल्का गोल्डन इस पर टच आ जाएगा और ये और भी सुंदर दिखेगा। गोल्डन कलर करने के बाद में इसका अपीयरेंस इस तरीके से होगा, और जहाँ पे कुछ अगर रह गया है तो वहाँ पे भी आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ये इस तरीके से लगेगा। इस तरीके से हम इसमें पूरे पे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद में हम इस पर वार्निश का कोट अप्लाई करेंगे। अब ड्राई होने के बाद में हम इसमें ये पाइप कनेक्ट करेंगे। जो पाइप हमारा उस बॉडी में से बाहर निकला हुआ थोड़ा सा पाइप था जो हमने निकाला था, उसमें हम इस तरीके का पाइप जैसे आप दिख रहे हैं वीडियो में इसको कनेक्ट करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए हम एमसील यूज़ करेंगे, और जो दूसरी साइड में होगा वहाँ पर हम मोटर का जो कनेक्टर आता है उसको कनेक्ट करेंगे। इसको हम वंस इसको भी हम एमसील से फिक्स कर देंगे ताकि यहाँ से कोई लीकेज ना हो पाइप के थ्रू, और जो बेस पे हम इसको इसके जो मोटर है। ये ड्राई होने के बाद में इस तरीके से इसका अपीयरेंस रहेगा, और ये हम एलईडी लाइट इसमें फिक्स करेंगे। अब ये 3 मीटर की लाइट है, एलईडी लाइट है जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। And finally it's ready, show time. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye, thank you for watching.